नहीं करना है। कैसे? ऐसा ही कुछ हालत होता है अपने इंडिया में। तो अब कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं बेटा। अगर इस एक्ट में, इस एक्ट में इन लोग क्या बोलता है, इस एक्ट में इन लोग बोलता है अगर तुमने पेमेंट नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जो पनिशमेंट होगा होगा, लेकिन तुम्हारा बिजनेस जल्दी से बंद कर दिया जाएगा। जैसे विजय माल्या का आईबीसी एक्ट में एक कितने दिन में पूरा दुकान क्लोज कर दिया जाएगा, बोलो एक बार? 180 डेज में। अब कहने से उसका वाइंड अप, या रिवाइवल जो होना है 180 डेज में खत्म। अब कहने से अच्छा हो या बुरा हो, दुकान बंद हो जाएगा तो नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। डोंट यू थिंक? तो डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है ना यार। कैसे बिजनेस वापस से मेरा, बोलो एक बार, बिजनेस वापस से मेरा क्या हो पाएगा? रिवाइव हो पाएगा। तो इवन दिस इज गुड फ्रॉम द हुज पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर विजय माल्या पैसा देगा तो एसबीआई के पास पैसा आ जाएगा, और वो पैसा कहीं से दूसरे को दे पाएगा, वो लोन दूसरे को दे पाएगा। तो डोंट यू थिंक मार्केट में क्रेडिट बढ़ रहा है, क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। देन बैलेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ये पहले ना गवर्नमेंट ड्यूज सबसे टॉप पे रहता था, जो तुम्हारा वाइंडिंग अप लॉ है ना उसमें सबसे टॉप पे नहीं लेकिन एकदम ऊपर रहता था प्रायोरिटी ऑर्डर में। अब गवर्नमेंट ड्यूज को एकदम नीचे कर दिया है और ऊपर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, इन लोग को ले आया। सर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है आगे जाके तुमको पता चलेगा, बट उनको ऊपर लेके आ गया है, सॉरी उनको ऊपर लेके आ गया, गवर्नमेंट ड्यूज को नीचे लेके आ गया है। मतलब कहने से अब कहने से सबको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलने वाला है, सबको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको यही बोलते हैं बैलेंस ऑफ ऑल क्या स्टेक होल्डर्स एंड स्टेब्लिश न्यू बॉडी दैट इज आईबीबीआई। ये नया रेगुलेटरी बॉडी बनाया ना मैं, आईबीबीआई। अब बेटा इसको याद करना एकदम सिंपल है। बेटा क्या हुआ है देखो इधर, ये तुम्हारा कंसोलिडेट किया तुमने सब लॉ, और ये किसकी वजह से हो पाया? आईबीबीआई की वजह से हो पाया। अब बेटा आईबीबीआई की वजह से हो पाया, आईबीबीआई आने के बाद कैसे तुम्हारा दुकान जल्दी बंद हो रहा है, मतलब तुम जल्दी से पूरा बिजनेस क्लोज कर पाएगा। ये तो इसको क्या बोलते हैं? टाइम बाउंड क्लोजर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टाइम बाउंड क्लोजर। क्या बोलते हैं इसको? टाइम बाउंड क्लोजर। आईबीबीआई की वजह से तुम 180 डेज में क्लोज कर पाएगा तो टाइम बाउंड क्लोजर हो गया। अब बेटा टाइम बाउंड क्लोजर हुआ तो दो बेनिफिट क्रेडिटर को हो रहा है, एक बेनिफिट डेटर को हो रहा है। क्रेडिटर को क्या हो रहा है बेटा बेनिफिट? कैसे? मैक्सिमाइज दी वैल्यू ऑफ असेट, मैक्सिमाइज दी वैल्यू ऑफ असेट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये दोनों बेनिफिट क्रेडिटर को हो रहा है ना यार। ये डेटर को क्या बेनिफिट हो रहा है? प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप। क्यों? एक बिजनेस उसका बंद होगा जल्दी से तो ही तो नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप। जा रहा है बुद्धि में? बैलेंस ऑल स्टेक होल्डर्स। ए इसका मतलब क्या हुआ रे? बैलेंस ऑल स्टेक होल्डर्स एवरीबडी। कहने से सब जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, कहने से सबको अभी मौका मिलेगा अपना पैसा लेने का। अब इसको याद करो, देखो कैसे। सबसे पहले कंसोलिडेट लॉ हुआ, फिर क्या बनाया तुमने? आईबीबीआई। आईबीबीआई की वजह से टाइम बाउंड क्लोजर हो पा रहा है, उसकी वजह से दो बेनिफिट क्रेडिटर को, एक बेनिफिट डेटर को। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर? मैक्सिमाइज दी वैल्यू ऑफ असेट। दूसरा क्या बेनिफिट है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज द बेनिफिट टू डेटर? प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेटर? प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप। उसके बाद क्या बोला है? बैलेंस ऑल इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। याद हुआ ये? अब जरा आओ, जरा ऊपर क्या बोला था मैं? फीचर्स। फीचर्स में क्या था? देखो इधर, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ। अब आईबीबीआई आया बेटा, आईबीबीआई की वजह से क्या हो पा रहा है? वन विंडो क्लियरेंस, वन चेन अथॉरिटी। उसकी वजह से क्या हो पा रहा है? लो टाइम रेजोल्यूशन। क्या हो पा रहा है बोलो एक बार? लो टाइम रेजोल्यूशन। ये समझा आप लोगों को? और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने? लो टाइम रेजोल्यूशन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉई एंड वर्कमैन। ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ का? कंसोलिडेट डी लॉ, पहली बात। दूसरी बात, कंसोलिडेट डी लॉ। फिर क्या? आईबीबीआई। उसकी वजह से क्या हो पा रहा है? टाइम बाउंड क्लोजर। क्या हो पा रहा है बेटा? टाइम बाउंड क्लोजर। इसके बाद इन लोग ने क्या बोला है? और उसकी वजह से क्या हो पा रहा है? दो बेनिफिट क्रेडिटर का, एक बेनिफिट डेटर का। क्रेडिटर का क्या बेनिफिट हो पा रहा है बताइए? मैक्सिमाइज दी वैल्यू ऑफ असेट्स। क्या बेनिफिट हो रहा है? मैक्सिमाइज दी वैल्यू ऑफ असेट। दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। और दूसरा बेनिफिट डेटर का क्या हो पा रहा है बताओ एक बार? क्या बोल रहा है बेनिफिट? प्रमोट एंटरप्रीनरशिप। लास्ट क्या? बैलेंस ऑल स्टेक होल्डर्स। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बोर्ड पे फोकस करो। सबसे ऊपर आता है एक्ट। सबसे ऊपर क्या आता है हमेशा?
कोई भी एक्ट जब बनता है बेटा उसके अंदर दो लोग होते हैं हमेशा, एक होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। बेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी इस एक्ट में कौन है? हु इज रेगुलेटरी अथॉरिटी? आईबीपी है। और उसके नीचे तीन आएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में भी दो लोग होते हैं। जो डिसीजन देता है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। कौन कौन है बेटा? एनसीएलटी, उसके ऊपर एनसीएलएटी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। एनसीएलटी, एनसीएलएटी और क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही है ना बेटा? ये अगर कंपनी नहीं है तो क्या रहेगा? डीआरटी, डीआरएटी, सुप्रीम कोर्ट। अब बेटा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता कौन है? ध्यान दो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। बेटा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो इस एक्ट में काम करते हैं, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को जो लोग रेगुलेट करता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। सबका रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है ना, मतलब कहने से आईपा का मेंबर है आईपी, आईपा का मेंबर है आईपी। जैसे सीए किसका मेंबर है? आईसीएआई का। वैसे आईपीए किसका मेंबर, आईपी किसका मेंबर है? आईपीए का। तुमको पता होगा सीए भी बन सकता है बाय द वे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो एक एग्जाम पास करके इवन सीए कैन बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो बेटा ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी अगर तुम इस एक्ट में काम करना चाहते हो तो। और इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। और आईयू क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। कैसे? इट्स अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, जिससे क्या होता है, कैसे सेंट्रलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा लोग? सेंट्रलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा। अब देखो ना एकदम बढ़िया यही चार्ट दिया हुआ है यहां पे। मैंने तुमको बताया था आईबीबीआई कब आया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा कब आया बताओ एक बार? ए वो एक्ट आया उस दिन, मैंने तुमको बताया था गांधी जयंती छुट्टी का दिन हो, उसे एक दिन पहले आया, मतलब कभी अक्टूबर को, फर्स्ट को। और एक्ट ईयर तो वही रहेगा जिस ईयर में बना है, 1 अक्टूबर 2016। तो किस दिन फॉर्म हुआ है? 1 अक्टूबर 2016, इस दिन आईबीबी आया। इसका काम क्या है बेटा? कुछ नहीं, इन लोगों को कंट्रोल करने का। किसको? किसको? आईपीए को, आईपी को, आईयू को। कंट्रोल करने का काम किसका है? आईबीबीआई का। तो देखो ना यही लिखा है, रेगुलेट किसको? किसको? आईपी, आईपा, आईयू, इनको ही रेगुलेट करने का काम है। ये याद रखने की जरूरत ही नहीं, तो अपेरेंटली देख के ही पता चल रहा है ना यार। इसका हेड ऑफिस किधर है? न्यू दिल्ली में। और ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का सारा फीचर्स लिख दिया, एकदम सिंपल हो गया ना यार। अब बेटा आईबीबीआई बना है तो आईबीबी में कौन कौन रहेगा? सेबी, याद रखो ये तुमको याद हो जाएगा, सेबी जैसा ही है। चेयरपर्सन रहेगा, चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करेगा? सीजी। थ्री मेंबर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, और इक्विवेलेंट किसका? किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, क्या है वो एक्स्ट्रा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। और उसके बाद एक मेंबर ऑफ आरबीआई, इसको कौन अपॉइंट करेगा? आरबीआई। फाइव मेंबर्स, थ्री शैल बी होल टाइम। ये मतलब याद रखने के लिए क्या याद रखोगे तुम? सेबी याद रखो, लेकिन एक एक्स्ट्रा मेंबर याद रख लो, क्या? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो जरा आओ ना एक बार, क्या क्या आएगा? चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरबीआई। फाइव होल टाइम, फाइव मेंबर्स आउट ऑफ व्हिच थ्री शैल बी होल टाइम। एकदम सिंपल हो गया ना याद करना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ये लोग कौन है रे? ये लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इसके क्या है बेटा? मेंबर्स है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इसके क्या है बेटा? मेंबर्स है। प्रिंसिपल गवर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या क्या करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो बेटा वो प्रमोट करेगा किसको? प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ किसका? रेगुलेशंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। मतलब क्या?
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब उसके मेंबर हो गए, तो उन लोग को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करेगा कि उन लोग पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने, पढ़े लिखे तो है ही बट अच्छे से काम करे, प्रमोट करेगा द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। रिपीट हो गया ना रही है, रिवीजन होगा तो याद रहेगा ना इसके लिए। टू प्रमोट गुड प्रोफेशनल एथिकल कंडक्ट, जैसे सीए का होता है ना एथिकल, वैसे इनका भी होता है। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स, टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो बेटा कहने से ये सब तो जनरल पॉइंट है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, प्रोटेक्ट एथिकल कंडक्ट अमंग देम, और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी डेवलप होना चाहिए, वो सब इनको काम करना है। फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, क्या क्या फंक्शन रहेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का, मेंबर कौन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मतलब एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना, क्वासी जुडिशियल मतलब कोर्ट का काम करना। अब देखो ना रेगुलेटरी फंक्शंस मतलब कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना ना यार, स्टैंडर्ड्स बनाएगा, आईपीएस स्टैंडर्ड्स बनाएगा। ये मेरे को सोच के बताओ, आईपीएस स्टैंडर्ड्स किसके लिए बनाएगा, आईपीएस स्टैंडर्ड्स किसके लिए बनाएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए। ये तो हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया, रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेशंस बना रहा है, स्टैंडर्ड्स बना रहा है। एग्जीक्यूटरी फंक्शन मतलब क्या, एग्जीक्यूटरी फंक्शंस मतलब वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो देखो, एग्जीक्यूशन तो वो मॉनिटर करेगा किसको, मेंबर्स को, मेंबर्स कौन है इसका, आईपी। इंफॉर्मेशन गैदर करेगा उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, और अगर कुछ मेलफिशेंस कर रहा है कि आईपी, कहने से वो भी देखेगा। ये तो कहने से ये सब एग्जीक्यूटरी फंक्शन हो गया। क्वासी जुडिशियल मतलब क्या, ए ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेगा, वो क्वासी जुडिशियल हो गया ना यार, ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेगा अगेंस्ट मेंबर्स, अगर कोई कंप्लेन है किसी मेंबर्स के अगेंस्ट तो इसका भी एक्शन कौन ले सकता है, आईपी है। एकदम सिंपल हो गया ना, रेगुलेटरी फंक्शंस क्या आईपीए का, बोलो एक बार, रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है, टू मेक स्टैंडर्ड्स मॉनिटरिंग, और एग्जीक्यूटरी फंक्शंस क्या है, मॉनिटरिंग, फिर परफॉर्मेंस देखेगा, मैलफिशेंस हो रहा है कि नहीं वो देखेगा, क्वासी जुडिशियल कोई कंप्लेन है किसके अगेंस्ट, क्वासी जुडिशियल मतलब लीगल थिंग्स ना यार, कंप्लेन है किसके अगेंस्ट, एमबी के अगेंस्ट, एंटरटेन करने का काम यही करेगा। एक्ट में जो भी काम वो कौन कर सकता है, इस एक्ट में करना है वो कौन कर सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कौन कर सकता है बोलो एक बार, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये तो कहना ही से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल गोइंग टू डू द होल वर्क एवरीबॉडी, आप समझ रहे हो, तो कहने से उसके बारे में कुछ नॉलेज दिया है, मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, एक बार रीड कर लो, बाकी उससे ज्यादा इसके अंदर जाना मत। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में सिर्फ क्या याद रखो, सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ये अंडरलाइन कर दो, सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। अब ध्यान देना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में क्या देखोगे, ए कंपनी रहेगा तो एनसीएलटी, एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी, उसके बाद किधर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, नहीं रहेगा तो डीआरटी, डीआरटी से करते हैं। आ जाओ देखो क्या क्या याद रखना है, बीबीआई बताना पड़ेगा आप लोगों को, आईबीबीआई का काम क्या रहेगा, प्रोफेशनल ठीक से काम, इंफर्टिलिटी का चेक रखने का। फिर इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एजेंसी, क्या नहीं से इसका मेंबर है, इसका मेंबर कौन है बेटा,